हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेंगी। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं पंजाबी स्टाइल राजमा बना रही हूं और राजमा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैंने एक कप राजमा लिया था, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है और इसको मैंने अभी अच्छे से धो लिया है। दो मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। चार मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। नमक स्वादानुसार और एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। एक छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर का लिया है। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। एक छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। मिर्ची को अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तड़के के लिए मैंने आधी छोटी चम्मच मैंने जीरे का लिया है। दो साबुत लाल मिर्च। दो टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और साथ में हींग। सबसे पहले हम राजमा को उबाल लेते हैं। मैंने एक कप राजमा लिया था और तीन कप मैंने पानी लिए हैं। तीन गुना मैंने पानी लिया है इसमें। साथ में एक छोटी चम्मच मैं नमक का डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं नमक को। जब तक हमारा राजमा हो रहा है, हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। हमारा फ्राई पैन है वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं दो बड़े चम्मच तेल के डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डाल देते हैं और साथ में हींग। हमारा जीरा हो गया है, अब इसके अंदर मैं प्याज को डाल देती हूँ। और जो आपकी फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, हमें इनको मीडियम फ्लेम पर भूनना है। और साथ साथ में आप चलाते रहिए ये कि हमारा जो प्याज है वो नीचे ना लग जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज हो गया है। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन डाल देती हूँ और आपको इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमारा अदरक लहसुन हो गया, अभी मैं टमाटर का प्यूरी डाल देती हूँ। साथ में हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आपको टमाटर को जब तक भुनना है जब तक इसमें से तेल निकलने लगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी तीन सीटी आ गई है। अभी हम कम फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं राजमा को। देखिए अब हमारा टमाटर होने लगा है, एकदम ड्राई हो गया मसाला। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर हो गए, इसमें से तेल निकल आया है और हमारे टमाटर को भूनने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। अभी हम अपना राजमा को चेक कर लेते हैं। इसको आप प्रेस करके देखिए, ये अच्छे से प्रेस हो रहा है। हमारा राजमा एकदम रेडी है। अब इसके अंदर हम राजमा डाल देते हैं तड़के के अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं पानी, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और साथ में मैं नमक डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि हमने जब राजमा को उबाला था उसके अंदर तब भी थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए अब नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। हम इसको ढक देते हैं जब तक इसमें बॉयल आता है। देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आ गया है। अब इसको मिक्स कर लीजिए एक बार। और हम अपनी फ्लेम को है वो कम कर देते हैं और इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर गरम मसाला डालकर आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं
और जो हमारा राजमा है एकदम रेडी है। हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलिए आइए इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पंजाबी स्टाइल राजमा है एकदम रेडी है और ये देखने में बहुत ही अच्छा बना है। और फ्रेंड्स, आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।